नमस्कार, मैं आज आपको बताऊंगी गांठों के बारे में जिसे हम लाइपोमा कहते हैं। तो आप जानते होंगे गांठें, बहुत से लोगों के शरीर पे गांठें हो जाती है जिसे हम लाइपोमा कहते हैं। तो आपको ये पता होगा या आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। आपके माइंड के अंदर तो ये सवाल उठता ही होगा कि हमारे गांठें कैसे हो जाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गांठें कैसे हो जाती है, और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ये वीडियो समझने के लिए बना रही हूँ, जिससे कि मैं भी आपको समझा सकूँ और आप भी मुझे कुछ समझा सके। तो हम पहले जान लेते हैं कि लाइपोमा यानी गांठें कैसे होती है। तो गांठें होने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जब हम हमारे बॉडी के अंदर वाटर, जो हम पानी पीते हैं, और उसके बाद हमारे जो मसल्स होती है तो उसमें जो पानी की कमी हो जाती है, तो उस वक्त हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो हमारे मसल्स की जो फैटी मसल्स होती है ना, उसमें हमारे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, और उस कारण से हमारे जो धब्बे धब्बे जो हो जाते हैं और उसमें गांठें उठने लगती है, उस कारण से वो गांठें हो जाती है और उन्हें हम क्या कहते हैं कि गांठें हो गई। तो कारण क्या है? उसका कारण ही यही होता है कि उसका कारण यह है कि हमारे पानी की कमी हो जाने में जो हमारी फैटी मसल्स जो होती है, क्योंकि सबके अंदर कहाँ मसल्स तो है, तो हमारी जो फैटी मसल्स होती है उस जगह गांठें होने का कारण यही होता है, पानी की कमी, ब्लड सर्कुलेशन का रुकना, इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट सवाल क्या आता है? हमारे माइंड में यही सोचना होता है और हमारे माइंड में यही सवाल उठता है कि हम इसका इलाज क्या है और हम इन्हें ठीक कैसे कर सके। क्योंकि आपको ये तो पता है कि ये जब भी कोई इंसान होता है उसको गांठें हो रही है तो उसको दर्द तो होगा, क्योंकि ये मसल्स से है, रिलेटेड होती है, तो हमारे मसल्स में दर्द होता है। तो बहुत से जो लोग होते हैं वो पेन किलर खाते हैं, जिस जो कि ज्यादा सेवन करना भी अच्छी बात नहीं है। पेन इस वीडियो को हम ज्यादा आलंबा ना खींचते हुए आइए हम चलते हैं इसके इलाज पे कि इसका इलाज क्या होता है, क्योंकि जिसको भी गांठें होती है उसको इलाज जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर वक्त पेन किलर खाना ही एक उपाय नहीं होता है। तो आज हम समझते हैं इसका इलाज। तो इलाज है इसका, हमें सबसे पहले लेना होता है गोमूत्र का अर्क। गोमूत्र का अर्क क्यों? क्योंकि इसमें आयुर्वेदिक में ये सबसे फायदेमंद माना जाता है। तो हम आयुर्वेदिक की तरह से देखें तो हमें गोमूत्र का अर्क लेना चाहिए, जो कि हमें 3-3 चम्मच लेना चाहिए खाली पेट। खाली पेट गोमूत्र का अर्क लेते हुए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हमें अपना टेस्ट करवाना चाहिए, किस चीज का? यूरिक एसिड का टेस्ट करवाना चाहिए। यूरिक एसिड का टेस्ट इसीलिए हमें करवाना चाहिए ताकि हम जान सके हमारे यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा तो नहीं है। हमारे बॉडी में अगर यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो तो उसे हमें लेवल में करना पड़ेगा, और उस लेवल को करने के बाद, उसको कंट्रोल करने के बाद हम गोमूत्र का अर्क ले सकेंगे। ताकि हमें जो गोमूत्र का अर्क लेते हैं, या फिर हमें पता चला हमें कि हमारा यूरिक एसिड ज्यादा है या यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा है, तो वो हमारे और यूरिक एसिड की मात्रा को ज्यादा बढ़ा सकता है और उससे हमें हानि भी हो सकती है। फिर आप ही बोलोगे या फिर आप बताओगे कि हमारा तो कोई असर नहीं हुआ। तो इससे पहले हमें सारी प्रिकॉशंस रखते हुए यूरिक एसिड का टेस्ट करवाना चाहिए। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि जो गोमूत्र का अर्क है उसे हमें किसके 3-3 चम्मच लेना चाहिए। अगर किसी का मोटापा है तो हमें इसी के साथ मेहदूर गुग्गल नाम की एक दवाई आती है, उसे भी लेना चाहिए ताकि वो हमारा मोटापा भी कंट्रोल कर सके। तो हमें गोमूत्र के साथ मीन्स गोमूत्र के अर्क के साथ हम मेहदूर गुग्गल का भी उपयोग ले सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हमें खाना खाने के बाद कौन सी गोली है या दवाई लेनी चाहिए। खाना खाने के बाद भी लेना तो पड़ेगी। तो हमारा सबसे पहला है कि खाना खाने के बाद हमें क्या लेना चाहिए, या कौन सी वो दवाई है हमारे शरीर की जो हो जाती है, मीन्स हमारे लाइपोमा जो हो जाता है हमारे शरीर में, तो उसको सही करने के लिए खाना खाने के बाद कौन सी दवाई लेना हमारे लिए उपयोग में कारगर माना जाता है।
ठीक है, तो फ्रेंड्स तो ये होता है, अगर हम कंचन और गुग्गल नाम की एक गोली आती है खाना खाने के बाद, उसको और उसके साथ हम लेते हैं वृद्ध वाटिका नाम की गोली। ये दोनों गोलियां हैं, इन दोनों को हम लेंगे एक साइरप के साथ। किसके साथ लेंगे हम? एक साइरप के साथ लेंगे, ताकि ये जो साइरप हो ये दोनों गोलियों को डिजोल्व करने में हमारी मदद कर सके। किसके लिए? साइरप दोनों चीजों के साथ डिसॉल्व होएगा, तो उस कारण से हम इसे साइरप को भी लेंगे और इन दोनों गोलियों को भी लेंगे। तो ठीक है, आप सोचोगे कि इसके साथ कौन सी साइरप है। तो है ना, हमें इसके साथ हमें एक तो दशमलव क्वाथ भी लेना है, ये 3 से 4 चम्मच लेना है। दशमलव क्वाथ आएगा आपको पाउडर के फॉर्म में, आपको पाउडर के फॉर्म में इसको ये आपको मिलेगा मार्केट में। आप किसी भी चीज का, कोई सी भी मीन्स दशमलव क्वाथ लो या किसी, तो आप इसको पुरानी फार्मेसी का देख के लेना, ताकि वो आपके लिए फायदेमंद रहे। पुरानी फार्मेसी को अगर आप देख के लोगे तो आपको ये फायदेमंद रहेगा, क्योंकि नई फार्मेसी उस हिसाब से नहीं बना पाता है जैसे कि पुरानी फार्मेसी बनाती थी, तो आपको इसमें और अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। तो आप दशमलव क्वाथ को एक पाउडर के हिसाब में लेना है आपको, तो उसको आपको गरम करना है, और गरम करने के बाद उसका एक चम्मच मीन्स एक उसका पेस्ट वो बन जाएगा, उसका काढ़ा बनाना है और उसके साथ लेना है। तो अगर आपके पास इतना टाइम ना रहे तो आप इसको एक दशमलव अरिष्ट मीन्स दशमलव क्वाथ जो हम घर पे बनाते हैं काढ़ा, वैसा ही एक दशमलव अरिष्ट नाम का भी काढ़ा बन के आता है, जो कि बना बनाया आता है मार्केट में। तो आप उसको लेके आइए और आप दशमलव रिष्ट को भी ले सकते हैं। दशमलव रिष्ट को आप लेंगे क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको ये होती है प्रॉब्लम, और उनके पास टाइम नहीं हो पाता। क्या टाइम नहीं हो पाता? उस कारण से वो टाइम से दवाई वाली नहीं ले पाते, तो उन्हें वो चाहे तो दशमलव रिष्ट भी ले सकते हैं। इसको आप लोगे दशमलव रिष्ट को 1 चम्मच, और इसमें आप डाल 1 चम्मच गरम पानी में डाल दीजिए, और उस गरम पानी को आप डालने के बाद उस चम्मच में आप उस गरम पानी को और बॉईल करके आधा रखिए, और फिर आप उसको पी जाइए, ताकि आपके लिए ये फायदेमंद रहे। और किसी के शरीर में, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं तो उनके शरीर में ज्यादा गर्मी हो, तो उसके साथ आप ले सकते हैं 3-3 चम्मच रोहित कारिष्ट। ये भी एक दवाई है, ये भी आयुर्वेद में बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। तो आप रोहित कारिष्ट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के शरीर में ज्यादा गर्मी रहती है, तो उसके लिए ये आप ले सकते हैं। 3-3 चम्मच ले सकते हैं, और उसमें छ छ चम्मच पानी, गर्म पानी भी डालना है। ठीक है, तो मुझे लगता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे फायदेमंद, और आप इस दवाई का उपयोग करके आप आपकी गांठें जो होती है शरीर पे उसको आप दूर कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगे तो आप इसे जरूर 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 लाइक करें, और थैंक यू।